बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबाना रसोई। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी मटन सलजम पालक की रेसिपी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर और 3 हरी मिर्चों को चॉप करके रखा हुआ है और मटन हमारा 500 ग्राम है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। आप मटन की जगह बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले कुकर के अंदर 1/2 कप ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे और ये मस्टर्ड ऑयल है, आप अपनी मर्जी से किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। और ये सलजम पालक है, ये फ्रोज़न है, दरअसल 4-5 दिन पहले मैंने मंगाया था और उस दिन बना नहीं पाई थी। खैर, अगर आपके पास ताज़ा सलजम पालक है तो आप उसे ले सकते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज डालकर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए, प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ऐसा लाइट ही रखना है। और अब इसके अंदर मटन डाल देंगे, मटन डालकर 1 से 2 मिनट भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए, मटन का कलर चेंज हो गया है। तो इस टाइम पर इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट हमारा ख़त्म हो रहा था तो मैंने इसके अंदर पानी डालकर डाला है। इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे जिससे कि अदरक लहसुन और मटन का रॉयल स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसे 2 मिनट भूनने के बाद शामिल करेंगे कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। और पाउडर मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद शामिल करेंगे सलजम पालक और इसे डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर का लिड ऊपर से रखकर इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 मिनट बाद देखें, साग हमारा काफ़ी अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम पर इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करेंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके इसे 40-45 मिनट तक कुक करेंगे। तो इसे 50 मिनट पकने के बाद मैंने कुकर का लीड बंद करके 1 विसिल लगा लिया था जिससे कि मटन हमारा अच्छे से गल जाए। तो कुकर का प्रेशर निकल चुका है, तो अब इसे खोलकर डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह, ये कितना ज़बरदस्त टेस्टी दिख रहा है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और ये बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।